हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2021 आपके लिए बहुत ज़बरदस्त खुशियाँ लाएगा, मैं यही विशेष करता हूँ भगवान जी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। लास्ट दो क्लासेस की मैंने आपको रिकॉर्डिंग दी हुई थी। शेड्यूल 3 टॉपिक चल रहा था, और शेड्यूल 3 का जो टॉपिक था लास्ट दो क्लासेस वाला, वो आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मुझे बताइए कि कितना पोर्शन आपने देख लिया, कितना पोर्शन नहीं देखा, ताकि हम उसके आगे बढ़े। ओके, सुनीता, शिवम, आशीष, बिंदु, सावन, विधि, भावेश, देवेश, युक्ता, जितेंद्र, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रदुम्ना, सुनीता, शिवम, उमंग, इद्रिस, अंशिका, पूरा देख लिया, कंप्लीटेड, पूरा देख लिया, देख लिया सर, पूरा देख लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। आप सबने देखा है, अगर तो बहुत अच्छी बात है। आप सबने अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। सर लास्ट एक लेक्चर छूट गया। अरे क्यों छूट गया भाई? मैंने तो कल भी, मतलब फर्स्ट को मैंने क्लास नहीं ली, आज सेकंड है, मैंने जानबूझ के क्लास नहीं ली ताकि आप अपना लेक्चर कंप्लीट कर सके। देखो यही मैं कहना चाह रहा था, यही पॉइंट है। जैसे मैंने आपको लेक्चर दिया अपलोड करके, अब आप देखो इसको प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप परचेज कर रहे हो तो आपका एक सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। आपको अपने आपको लग रहा होगा कि यार चलो ठीक है, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। लाइव क्लासेस लेने का रीजन ही यही है कि रिजल्ट तक आपको हम उस लेवल तक लेके आ गए, आ जाएं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वो कहते हैं ना, आपने शायद सुना होगा ये चीज, कितनी सच है मैं नहीं जानता, बट मैं इसको सच मानता हूं। जो चीज को मान लो ना सच, वो सच करनी पड़ती है। कहते हैं कि अगर कोई आदत बनानी है आपको, अगर किसी चीज की आदत बनानी है, सुबह जल्दी उठने की, रात को जल्दी सोने की, या अच्छा खाना खाने की, या पढ़ाई करने की, लगातार 21 डेज तक उसको फॉलो करो। मैं सच कह रहा हूं, ये करके देखना। लगातार 21 दिन तक आप उसको फॉलो करिए। 21 दिन के बाद ये प्रूवन थिंग है कि वो आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपकी आदत बन जाएगी। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूं। मेरे साथ, मुझे नींद बहुत अच्छी लगती है, मैं सच बता रहा हूं। मुझे नींद इतनी अच्छी लगती है, मतलब मेरे को जिस टाइम पे बोलो मैं उस टाइम पे सो सकता हूं। बट ऐसा मेरे साथ बहुत टाइम तक होता था। लॉकडाउन में तो और हो गया था। मैं सुबह 11 11 बजे उठता था, 11 बजे 12 बजे। जब से ये लाइव बैच स्टार्ट हुआ है एडवांस अकाउंट्स का और अकाउंट्स का, और उससे भी पहले मैं सीए फाइनल का बैच स्टार्ट कर चुका हूं, सुबह मेरी 8 से 9 बजे के बीच में नींद खुली जाती है। मतलब कुछ भी हो जाए, अगर छुट्टी भी है तो भी मेरी नींद खुल जाती है। और अगर 8:30 बजे मेरी क्लास है तो किसी भी हाल में मेरी 8 बजे नींद खुल जाती है। उसके बाद मुझे नींद आती नहीं है क्योंकि आदत बन गई मेरी, इतने दिनों में मेरी आदत बन गई। ठीक है, सो आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग कि बेटा क्या है कि रिजल्ट तक आप क्लासेस को प्रॉपर देखिए, आप छोड़िए मत। आप ये मत सोचिए कि यार अभी का लेक्चर जो लाइव चल रहा है वो मैं नहीं देख रहा हूं, मैं शाम को देख लूंगा। ये ना, ये सिर्फ पोस्टपोन करने वाली बात है। आप उसको नहीं देख पाओगे, मैं बता रहा हूं। इससे क्या होगा, आप अपनी आदत बिगाड़ रहे हो। लगातार रिजल्ट डेट तक जब तक आप क्लासेस देखते जाओगे ना, जब तक आपका रिजल्ट आएगा, आपकी एक आदत बन जाएगी, आपका ये एक शेड्यूल बन जाएगा। और उसके बाद जब आप रिकॉर्डेड क्लासेस को कंटिन्यू करोगे, आप बाद में कंटिन्यू करोगे, तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी आपको। तो ये चीज बहुत जरूरी, आप ध्यान रखें। जैसे अभी मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, कि सर लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा, सर एक लास्ट लेक्चर छूट गया है, जो आपने नोट्स दिए हैं उसमें अलग क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, वो मैं एक बार देख लूंगा।
लास्ट लेक्चर इज पेंडिंग सर, क्वेश्चंस अलग हैं सर, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्वेश्चंस अलग कौन से हैं, एक बार चेक कर लेता हूं। क्वेश्चंस अलग नहीं होंगे, कम ज्यादा होंगे, बल्कि अच्छा है मैं आपको ज्यादा क्वेश्चंस करवा लूंगा, एडवांस अकाउंट्स में भी जो मैंने डाले हैं शेड्यूल 3 के वो भी करवा लूंगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार मुझे तो कल क्वेश्चंस वही लग रहे हैं, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं और यहां पर ये लोटस वाइन वाला क्वेश्चन हो गया, कंबाइन लिमिटेड वाला क्वेश्चन हो गया, बैलेंस ये प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन हो गया, एफसीसीबी वाला क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ वाला ये भी क्वेश्चन हो गया, सिक्स वाला बेटा सेम तो है, मुझे आप समझ नहीं आया कौन से क्वेश्चन आप अलग बोल रहे हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूं अपने मोबाइल के थ्रू जो मैंने आपको शेयर किया है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं आ गई। एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चंस, एक बार देख लेता हूं मैं। अच्छा अलग पीडीएफ हो, ओके 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 ओके। मैंने शेड्यूल 2 का पीडीएफ नहीं डाला है, राइट राइट राइट, मैंने शेड्यूल 2 का पीडीएफ ही नहीं डाला एक्चुअली, राइट। बच्चों सीरियसली बहुत गलती हो गई मुझसे, सीरियसली शेड्यूल 2 का मैंने पीडीएफ नहीं डाला है। लेट मी चेक, मैंने शेड्यूल 2 का पीडीएफ नहीं डाला है, क्या मैं अभी डाल दूं शेड्यूल 2 का पीडीएफ? 2 मिनट रुक जाइए, मैं शेड्यूल 2 का पीडीएफ अभी के अभी डाल देता हूं, मैं शेड्यूल 2 का पीडीएफ अभी के अभी डाल देता हूं। आपने पीडीएफ टेलीग्राम में डाला है? अच्छा टेलीग्राम में डाला था मैंने पीडीएफ, चेक कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वैसे भी सोचा था कि आज मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चे लास्ट वाला लेक्चर देखे होंगे, बहुत सारे नहीं देखे होंगे, तो आज का लेक्चर मुझे पता था कि कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं, ज्यादा डिस्कशन होने वाला है इस बात पे, तो मैं समझ गया था। डोंट वरी, एक बार मैं थोड़ा सा पहले चेक कर लूं कि ऐसा क्या हो गया। नोट्स, नोट्स पे आ गए, सैंपल नोट्स पे आ गए, क्लास वर्क ठीक है, मैं इसमें डाल देता हूं। बेटा एक काम करिए, अब देखिए वो जो लिंक है ना, जो वीडियो का लिंक है, जो अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के लिंक में फिर से जाइए, आपको दिखेगा, आई होप आपको वो दिखेगा, क्लास वर्क नोट्स में दिखेगा, या मैं उसको बाहर ही कर देता हूं, ये लीजिए मैंने उसको बाहर ही रख दिया, एक बार आप देख लीजिए। अब हाँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ गया है, और मैंने लिंक में अपडेट कर दिया है बेटा, एक बार लिंक में चले जाइए, मैंने अपडेट कर लिया है,
और मुझे बताओ अगर आपको नहीं मिला तो। अरे क्या हो गया रे, मुझे जवाब दो बल्कि अगर आपको नहीं मिला है तो। ये शेड्यूल 3 के नोट्स आ गए, शेड्यूल 3 के नोट्स मैंने डाल दिए बेटा, अपडेट कर दिए मैंने उसमें। ठीक है चलो, मुझे अब बताओ, मैं अभी ये फोकस नहीं करना चाह रहा हूं कि आपने आपको मैं आगे पढ़ाऊं, मैं आगे पढ़ाने पर फोकस बिल्कुल नहीं करना चाह रहा हूं। आज की क्लास में अगर आप मुझसे कुछ भी ओपन डाउट्स कुछ पूछना चाहते हो शेड्यूल 3 के टॉपिक के रिगार्डिंग, आप खुले तरीके से पूछ सकते हो। मैं आज की क्लास में आगे नहीं बढ़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बच्चे आधे बच्चों ने देखा है और आधे बच्चों ने नहीं देखा है। पूरे लेक्चर में आज मैं आपके साथ हूं, लगभग 1 घंटा या जितना भी समय मिला, जब जब तक आपके डाउट्स जब तक आपके डाउट सॉल्व नहीं हो जाते, अगर 1 घंटे से पहले हो गए तो 1 घंटे से पहले। तो आप मुझे अब बताइए आपको डाउट्स इसमें क्या है, अगर शेड्यूल 3 में कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं सीधा सीधा आपसे बात करना चाह रहा हूं। शेड्यूल 3 में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए। शेड्यूल 3 में आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए, जल्दी बताइए। अभी हार्ड कॉपी अगर अभी आपके पास है उसमें नहीं मिल रहा है, हम देख लेंगे उसमें। अभी आप मुकुल हार्ड कॉपी का मत सोचो ज्यादा, अभी फिलहाल आप ये देखो कि आपको सॉफ्ट कॉपी में है कि नहीं। हार्ड कॉपी का देख लेंगे, मुझे अभी देखना पड़ेगा, मेरे सामने अभी हार्ड कॉपी है नहीं। सो अभी आप प्लीज सॉफ्ट कॉपी का बताइए, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो प्लीज आप शेड्यूल 3 निकाल लीजिए और उसमें से मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हो कुछ भी, एनीथिंग, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, डेफिनेटली यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर वारंट? ओके सर, शेयर वारंट क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो शेयर वारंट है, शेयर वारंट हम बैलेंस शीट में लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड में। यहां पर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 जो आपको दिए हैं उसमें बताया हुआ है। ये शेयर वारंट क्या होता है बेटा, ये शेयर वारंट क्या होता है बेटा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अंशिका की बात है ना। अंशिका गुप्ता मुझसे पूछ रही, सर शेयर वारंट क्या होता है? आप यूं समझो बेटा अंशिका, जैसे मैं मान लो मैं एक कंपनी हूं जय लिमिटेड, मैंने आपको बोला अंशिका आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको इक्विटी शेयर इशू करूंगा फ्यूचर में, और मैं आपको एक पेपर पे लिख के दे देता हूं कि आपसे मैंने पैसे ले लिए हैं और फ्यूचर में मैं आपको इक्विटी शेयर इशू करूंगा, जिसके पैसे मैंने आपसे आज ही ले लिए हैं, मतलब एडवांस में ले लिए हैं। यू कैन से कि अंशिका ने अपने शेयर्स की बुकिंग करवा ली, पैसे मुझे मिल गए पर अभी मैंने अंशिका को शेयर इशू किए नहीं है, मैं फ्यूचर में शायद 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद उनको शेयर इशू करूंगा। तो यहां पर ये बोलेंगे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, जो मैंने आपको लिख के दिया ना पेपर पे, उस पेपर को बोलते हैं शेयर वारंट, उसके अगेंस्ट मैंने पैसे रख लिए, आगे चल के मैं शेयर इशू कर लूंगा अंशिका को, तो ये जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा? शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अंशिका चाहे तो उस पेपर को किसी और को भी ट्रांसफर कर सकती है। ये शेयर वारंट ट्रांसफरेबल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब अगर अंशिका ने ये ट्रांसफर कर दिया किसी को कि चलो मैं मेरे को नहीं चाहिए शेयर, मैं किसी और को दे देती हूं, मैं सामने वाले से पैसे ले लूंगी, तो कोई और के पास अगर वो वारंट आ गया तो मैं उसको शेयर इशू करूंगा उस पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल शेयर वारंट और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, यह था अंशिका का, मैं लाइन लाइन से चलने की कोशिश करूंगा इसलिए शायद मैं ऊपर नीचे हो जाऊं। करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज की डेफिनेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करंट असेट और करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन शायद मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैंने क्लास 7 तक करंट असेट करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन शायद मैंने नहीं करवाई है, आप मुझे करेक्ट करो। शायद जितने लोगों ने देख लिया है लेक्चर नंबर 7, मैंने उसमें करंट असेट करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन नहीं बताई, मुझे आज बतानी थी, पर अब मैं आज डिस्कशन कर रहा हूं, जैसे ही डिस्कशन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे का। आगे क्या पूछ रहे हैं सर? लेक्चर 7 से पहले 6 आवर्स वाली क्लास कंप्लीट करनी है क्या? कौन सी 6 आवर्स वाली क्लास? लेक्चर 7 से पहले लेक्चर 6 देखना है,
लेक्चर सेवन से पहले 6 आवर्स वाली कौन सी क्लास है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। लेक्चर सेवन से पहले लेक्चर सिक्स देखना है, लेक्चर सिक्स लेक्चर सेवन। फिर डेफर्ड, ये भी हो गया डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। सर ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज एंड असेट्स, रजनी गर्ग और ऊपर भी किसी ने पूछा था, सुहानी या कुछ नाम दिख रहा था शायद, नहीं सुहानी नहीं, रजनी गर्ग नहीं पूछा था। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, सर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहां लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। एक तो यहां लिखा हुआ है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और यहां लिखा हुआ है डेफर्ड टैक्स असेट, AS 22। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स असेट। सर ये क्या होता है? यू समझो कि हमसे जो इनकम टैक्स लिया जाता है, हमसे जो इनकम टैक्स लिया जाता है उस टैक्स से रिलेटेड कोई असेट है या कोई लाइबिलिटी है। सर कैसे? अभी क्या है, आपने नया नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया है इनकम टैक्स का। आई डोंट नो कि आपने अपना इनकम टैक्स अभी अभी स्टार्टअप का हुआ है नहीं हुआ है, कितने कितना टॉपिक हुआ है। मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूं कि डेफर टैक्स लाइबिलिटी और असेट का फंडा होता क्या है। मान लीजिए पूरे साल भर में मैंने इनकम अर्न किया, जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा है इनकम अर्न किया 1,000 रुपीज, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे 1,000 के ऊपर टैक्स भरना चाहिए। मान लीजिए टैक्स का रेट है 30%, तो 1,000 का 30% हुआ 300 रुपए। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में 1,000 की नेट प्रॉफिट है, मुझे उस 1,000 के ऊपर 30% का टैक्स भरना चाहिए, मेरे को मेरी मेरा जो टैक्स बनता है वो बनता है 300 रुपीज। अब इनकम टैक्स का एक्ट अलग होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 होता है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस अलग होते हैं। इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मेरी जो इनकम कैलकुलेट की जा रही है, वो जो 1,000 की जो इनकम है उसको बोला जा रहा है कि नहीं 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 हम तुम्हारी ये 1,000 की इनकम नहीं मानेंगे, हम तो मानेंगे कि तुम्हारी इनकम जो है वो 900 है। समझिए बात को, मैंने अपने P&L में इनकम दिखाई 1,000 रुपीज की, पर इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जब मेरी टैक्सेबल इनकम निकाली जा रही है, यस आई एम सेइंग टैक्सेबल इनकम, मेरी इनकम फिर से कैलकुलेट की जाएगी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो एक्ट अलग है, उसके अकॉर्डिंग मेरी इनकम निकली 900 रुपए। मतलब मैं अपनी इनकम 1,000 मान के बैठा हूं जिसपे मुझे टैक्स भरना चाहिए, बट इनकम टैक्स वाला बोल रहा है कि नहीं नहीं तू दा 900 पे टैक्स भर दे। मैंने बोला 100 पे क्यों नहीं? मैंने बोला 100 पे क्यों नहीं ले रहे हो? उन्होंने बोला ये 100 पे हम अगले साल टैक्स लेंगे तुमसे, हम नेक्स्ट ईयर में टैक्स लेंगे, हम 100 पे अगले साल लेंगे। फिर से बोल रहा हूं, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में 1,000 का इनकम दिख रहा है नेट प्रॉफिट, पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो मुझसे 900 की टैक्स चार्ज कर, मतलब 900 का इनकम चार्ज कर रहे हैं, 900 इनकम मान रहे हैं, 900 की टैक्सेबल इनकम मान रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि 1,000 पे टैक्स भरूंगा 300 रुपए का, जबकि मुझे 900 पे 30% के अकॉर्डिंग 270 का टैक्स भरना पड़ा। 100 के ऊपर मैंने टैक्स फिलहाल पे नहीं किया, इनकम टैक्स वाला बोल रहा है कि ये 100 हम तुम्हारी अगले साल की इनकम मानेंगे, अगले साल नेक्स्ट ईयर की इनकम मानेंगे। मैंने बोला ओके, इसका मतलब 100 रुपीज का 30%, 30 रुपीज जो मेरा टैक्स है वो करंट ईयर का नहीं है, वो फ्यूचर ईयर का है जो मुझे पे करना पड़ेगा। इट इज माई लाइबिलिटी, दिस टैक्स हैज बीन डेफर्ड, ये टैक्स पोस्टपोन हो गया। डेफर्ड, डेफर्ड मतलब पोस्टपोन करना। कोई भी टैक्स जो फ्यूचर में पोस्टपोन हो जाए उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। अब इसके दो इंपैक्ट होते हैं, या तो मुझे फ्यूचर में टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो दिस इज कॉल्ड DTL, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मैंने इनकम दिखाई 1,000 रुपीज मेरे P&L में, पर इनकम टैक्स वाला बोल रहा है कि नहीं तेरे को तो 1,200 पे टैक्स भरना पड़ेगा। मैंने बोला ऐसे कैसे 1,200 पे भरना पड़ेगा? नहीं, तेरे को 1,200 पे भरना पड़ेगा, ये 200 का बेनिफिट हम तेरे को अगले साल दे देंगे, 200 पे तू कम भरना, मतलब नेक्स्ट ईयर में तू कम भर देना, अभी तेरे को ज्यादा भरना पड़ेगा। मैंने बोला चलो ठीक है, फ्यूचर में मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में कम पे करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड DTA, डेफर्ड टैक्स असेट। इसके ऊपर AS 22 होता है आपके ग्रुप 2 में, तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा जब डेफर्ड टैक्स असेट की बातें आएंगी AS 22 के अकॉर्डिंग। आई होप आपको यहां तक DTA DTL का पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपने मुझसे पूछा था, रजनी गर्ग ने पूछा था, सर ये DTA DTL क्या होता है? जैनेश पटेल, इन ट्रेड पेबल्स एक्सप्लेन टू सब कैटेगरीज। हाँ, ट्रेड पेबल्स में सर वो जो सब कैटेगरीज है उनको एक्सप्लेन कर दो। ट्रेड पेबल्स में सर वो जो सब कैटेगरी है
उसको एक्सप्लेन कर दो एक सेकेंड। हाँ ये रहा ट्रेड पेबल, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एंड टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर अदर देन माइक्रो। कुछ नहीं है बेटा, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। क्या होता है हमारे देश में एक एक्ट है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एक्ट, एमएसएमई एक्ट, ठीक है ना। अगर कोई बिजनेसमैन, अगर कोई कंपनी उस एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब वो कंपनी बन जाएगी माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज। अब ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, मतलब आप समझो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज मतलब छोटे 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 बिजनेसेस, छोटे छुटपुटी बिजनेसेस, ठीक है ना। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज मतलब छोटे छोटे बिजनेसेस, और अदर देन माइक्रो मतलब बड़े सारे जो माइक्रो एंड स्मॉल में रजिस्टर्ड नहीं है। यहां शेड्यूल थ्री कह रहा है कि ट्रेड पेबल्स को दो हिस्सों में दिखाइए, आपको कितना पैसा देना है उन छोटे छोटे बिजनेसेस को जहां से अगर आपने कुछ परचेज किया हो, और आपको कितना पैसा देना है अदर देन दोस, ऐसे करके आपको दिखाना पड़ेगा, बस इतना सा फंडा है, ठीक है ना। जयनेश पटेल क्लियर बेटा। मुल्क मुकुल ओके नहीं पढ़ाया मैंने, करंट असेट करंट लाइबिलिटी अभी तक नहीं पढ़ाया। हाँ बाकी है वो उमंग, पेंडिंग अलॉटमेंट और शेयर वारंट लगभग सेम है? नहीं, पेंडिंग अलॉटमेंट और शेयर वारंट अलग अलग होता है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मैंने पैसे ले लिए मैं आपको फ्यूचर में शेयर इशू करूंगा। मनी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मैंने शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब मैंने सीधी बात है अभी तक सिर्फ अलॉटमेंट नहीं किया है, मैंने पब्लिक इशू कर दिया है, पब्लिक इशू कर दिया है विद इन 1 to 10 days, 20 days मैं अलॉटमेंट करने वाला हूं, दैट्स इट, और मैं ये पैसा वापस नहीं करूंगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। उसके बाद आपने पूछा था सर पी एंड एल डेबिट बैलेंस हाउ शो इन बैलेंस शीट। सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आता है, पहले तो मुझे बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है लॉस, और ये लॉस को हमें बैलेंस शीट में कहां दिखाना है। मुझे लॉस को बैलेंस शीट में दिखाना है रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव करके। इसका फंडा आपने अगर क्लासेस देखी होती तो इसका फंडा यहां पर लिखा भी हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैटेगरी आप देखोगे यहां पर, देखो लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने करके रखा है, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शोन एज नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सरप्लस। मतलब आप कुछ ऐसे बनाओगे, आप क्या करोगे, आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहां सरप्लस दिखाओगे नेगेटिव। मान लीजिए आपका 10,000 का डेबिट बैलेंस है तो आप ऐसे करके नेगेटिव दिखाओगे सरप्लस। ये क्या है बेसिकली, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, आया समझ में। तो ये आपका वो है, तो इस तरीके से शो होता है। सर मास्टहेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, सर ये क्या होते हैं मास्टहेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल का मतलब होता है जैसे आपके घर में न्यूज़पेपर अगर आता है, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, महाराष्ट्र टाइम्स, आता है कि नहीं। न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है उसका जो नाम होता है हिंदुस्तान टाइम्स, दिस इज कॉल्ड मास्टहेड। मास्टहेड मतलब किसी भी न्यूज़पेपर का मेन नाम जिसको आपने रजिस्टर करवा के रखा है अपने नाम पे। पब्लिशिंग टाइटल, पब्लिशिंग टाइटल मतलब किसी भी मैगजीन का टाइटल, इंडिया टुडे राइट, ठीक है ना, फोर्ब्स, टाइटल किसी भी पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट का कोई मेन टाइटल जो कि आपने रजिस्टर्ड करवा के रखा है अपने नाम पे, जिससे फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इनकम होगी उस नाम के बेसिस पे। आप उस नाम को अगर किसी और कंपनी को बेच दोगे तो आपको इनकम होगी। अब जैसे इंडिया टुडे कितना बड़ा नाम है, आपने ये मैगजीन सुनी होगी। अगर इंडिया टुडे ये नाम बेच दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया टुडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद आज तक वालों का है, अगर मान लो एनडीटीवी वालों ने वो खरीद लिया इंडिया टुडे, तो वो खरीदेंगे उसको, उस नाम को, उसके लिए वो पैसे देंगे, मतलब इस नाम की वैल्यू है, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है सर? ये मैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मैंने यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में आपको आपको बोला होगा कि बेटा इसको पेंडिंग करो,
एम्प्लॉय, ये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ईसॉप। एक्चुअली क्या है, ईसॉप नाम से ग्रुप टू के एडवांस अकाउंट्स में वो चैप्टर है, बल्कि वो चैप्टर अभी करंटली चल भी रहा है सुबह 8:30 बजे वाली क्लास में। तो ईसॉप का जो चैप्टर है ये होता क्या है, कंपनी अपने इंप्लॉइज को ऑफर करती है कि शेयर चाहिए क्या, सस्ते में देंगे शेयर, किसी को बताना मत, ठीक है ना, शेयर चाहिए क्या। एम्प्लॉय बोलता है हाँ दे दो, हम कंपनी बोलते हैं ले लो अभी नहीं देंगे, 2 साल बाद, पहले काम करो, ठीक है ना। तो ये होता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमने अपने एम्प्लॉय को 2 साल बाद शेयर देने का वादा किया है, वो अपना वादा पूरा करेगा, हम उसको आगे चल के शेयर दे देंगे। उसकी अकाउंटिंग होती है वो मैं आपको ग्रुप टू में समझाऊंगा। सर अगर असेट्स कंजम्पशन ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर है और 1 ईयर के अंदर तो उसको क्या कंसीडर करेंगे। देखिए पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल 1 ईयर का है कि 1 ईयर के कम है। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स का है, 8 मंथ्स का है, ठीक है ना, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका वो जो असेट है डेफिनेशन है। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम लोग गलत पूछ रहे हो, गलत जा रहे हो। ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा है उमंग भाटिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अभी करंट असेट करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन नहीं करवाई। तो मुझे मुझसे ये डाउट ही तुम पूछ रहे हो उस टाइम पे जब मेरे को वो करवाना है। मैं इसीलिए सोच रहा हूं, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं कि वो डाउट क्यों पूछा जा रहा है मुझसे। मुझसे ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जा रहा है, करंट असेट के बारे में पूछा जा रहा है, करंट लायबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने क्या गलती कर दी क्या तुम लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर देके, जबकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर अभी कुछ दिन पहले का एडवांस अकाउंट्स में किया हुआ है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, करंट असेट करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन मैंने नहीं पढ़ाई है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं उससे रिलेटेड टॉपिक डाउट्स मत पूछिए, बेवजह फालतू में पड़ जाएगी, मतलब क्या बोलते हैं, डांट पड़ जाएगी तो रो दोगे। रो दोगे मतलब ऐसे नहीं रोगे, मतलब बेसिकली फिर बुरा लग जाएगा। तो आप वो पूछिए जो एक्चुअली मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड पूछिए। इदरिस मैंने अभी बोला ईसॉप आपको अभी आप अपना डिफाइन नहीं कर सकते हो बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ईसॉप इज आउटस्टैंडिंग सो इट विल बी शोन इन करंट लायबिलिटी अंडर प्रोविजन। नो डियर, आपको पता ही नहीं है कि ईसॉप क्या होता है। आप पहले दिन फाउंडेशन का बच्चा आके मैं बोलूं ईसॉप आउटस्टैंडिंग तो हाँ मन से यही लगता है ये तो लायबिलिटी होगी। नहीं बेटा ऐसे मत करो, जो चीज मैं बोल रहा हूं पहले उस चीज को विश्वास करो। मैं क्या बोलता हूं, ईसो आउटस्टैंडिंग एक ऐसी चीज है जिसको मुझे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना होता है, वो मेरी सच्ची मुच्ची कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं उसको शेयर देने वाला हूं। मैंने आपको लायबिलिटी के केस में बताया भी था कि लायबिलिटी कब होती है, जब हमें कोई कैश का आउटफ्लो देना पड़ता है। क्या मैं उसको शेयर देने वाला हूं, शेयर कोई कैश है क्या, नहीं, मैं उसको शेयर इशू करने वाला हूं, मतलब आगे चल के मैं उसको शेयर कैपिटल बढ़ा दूंगा, तो बेसिकली ये मेरी लायबिलिटी नहीं है। फिर भी अगर तुम अपने माइंड में कुछ भी सोचने लगोगे तो वो बहुत ही गड़बड़ होगा। जब टीचर आपको कह रहा है कि वो चीज पे दिमाग मत लगाओ जो चीज आपको नहीं समझाई जा रही जानबूझ के, मैं खुद ही नहीं समझा रहा हूं, क्यों, क्योंकि वो चैप्टर आपका ग्रुप टू में आएगा। अब अगर खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो सही भी जा सकते हो गलत भी जा सकते हो, वहां फिर वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स विल ऑल्सो गिवन सेम ट्रीटमेंट एज वी गिवन द ट्रेड पेबल्स अंडर सब कैटेगरी। यस जयनेश पटेल, ट्रेड रिसीवेबल्स में भी सेम दोनों सब कैटेगरीज रहेंगी। और कोई डाउट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, किसी ने पूछा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, आपका ये आता है पीपीई में, टेंजेबल असेट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आप अपने लिए अपने बिजनेस में एक बिल्डिंग बनवा रहे हो, आपका लैंड है आप उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने में 3 साल लग जाएंगे। फर्स्ट ईयर के एंड में जो आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस बैलेंस शीट में आप बिल्डिंग, आपकी अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, आप क्या बोलोगे उसको, आप बोलोगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये वर्क इन प्रोग्रेस है पर ये वर्किंग प्रोग्रेस रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो ये बन गया आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। शेड्यूल 3 कौन कौन से चैप्टर में यूज करना है, शेड्यूल 3 आपके
आने वाले कुछ चैप्टर्स में यूज होगा, जब शेड्यूल थ्री खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में यूज करना है। एप्लीकेशन मनी रिफंडेड बता दो, एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, एप्लीकेशन मनी रिफंडेड आपका ये करंट लाइबिलिटी में आता है। सिंपल सी बात है, इधर लिखा होगा कहीं, ये करंट लाइबिलिटीज में आता है, करंट लाइबिलिटीज में, ये अदर करंट लाइबिलिटीज में आता है, अदर करंट लाइबिलिटीज में। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू द एक्सटेंट रिफंडेबल, सिंपल सी बात है। आपने 100 रुपए पब्लिक इशू किया, 100 रुपए में से आपने आपने बोला यार ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, मुझे तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो जो भी पैसा आपने डिसाइड किया कि मुझे एप्लीकेशन का मनी अमाउंट वापस करना है, उसके लिए आप शेयर इशू करोगे नहीं। अगर आप उसके लिए शेयर इशू नहीं कर रहे हो तो वो आपका पैसा नहीं है, इसका मतलब आपको वापस करना है, वापस करना है तो आपकी लाइबिलिटी, अब आपकी वो करंट होगी कि नॉन करंट होगी, सिंपल सी बात है वो आपकी करंट लाइबिलिटी होगी। करंट लाइबिलिटी क्यों होगी? करंट लाइबिलिटी आपकी इसलिए होगी क्योंकि आपको विद इन 30 डेज उसको आपको रिफंड करना है। आई बात समझ में? यहीं पर आपने बोला नहीं नहीं हम रिफंड नहीं करेंगे, हम तो इसके बदले शेयर देंगे, तो वो बन जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो शेयर कैपिटल के बाद, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट के बाद आता है। ठीक है, तहा तहा ने बोला डाउट मिस हो गया, तो बेटा फिर से लिख दो डाउट, तहा का डाउट, तहा तुम्हारा डाउट के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, मुझे मिल नहीं रहा है, फिर से डाल दो। रुचिता, अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स, ओके, अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स, अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स, ये आपको अदर करंट लायबिलिटी में ही कहीं दिखा होगा आई थिंक, यस, अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड दे रहा हूं। आपने डिबेंचर इशू किए, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 5 साल के लिए, 2021 में 1 जनवरी 2021 को कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 5 ईयर्स के लिए, बताइए डिबेंचर्स रिडीम कब होंगे? 2021 पूरा, 22, 23, 24, 25, मतलब 31st of December 2025 को ये डिबेंचर रिडीम होना चाहिए, कंपनी ने इस डिबेंचर को रिडीम किया ही नहीं। 2025 आ गया, 31st December 2025 आ गया, रिडम्पशन डेट आ गई, डिबेंचर को हमें रिडीम करना चाहिए, हमने रिडीम किया ही नहीं। 1 महीना लग गया, 2 महीना लग गया, 3 महीना लग गया, अभी तक हमने पैसे वापस नहीं किए, कहां दिखाओगे उसको? उसको बोलोगे अनपेड मैच्योर्ड, मैच्योर हो चुका है, मैच्योर हो चुका है मतलब रिडम्पशन डेट आ चुकी है पर आपने रिडीम नहीं किया है उसका वो डिबेंचर और उसका इंटरेस्ट, क्योंकि अब आप उसको रिमेनिंग कुछ दिन में पे करने ही वाले होंगे क्योंकि आपकी वो करंट लायबिलिटी बन गई। इनिशियली जब आपने वो डिबेंचर इशू किया था तो 5 साल के लिए था, तो आपने उसको नॉन करंट में डाला होगा, बट अब 5 साल खत्म हो चुके, अभी तक आपने पैसा वापस नहीं किया है, विद इन सम डेज वापस कर दोगे, आप उसको अदर करंट लायबिलिटी में दिखाओगे। ठीक है, तहा सर वही था रिफंडेबल वाला समझ आ गया। उसके बाद सुहानी, सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी पीरियड कितनी होनी चाहिए ताकि वो कैश एंड कैश अप टू 3 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स, 90 डेज, आप 90 डेज बोलो या 3 मंथ्स बोलो, अप टू 3 मंथ्स मान के चलो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी अप टू 3 मंथ्स होनी चाहिए ताकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की कैटेगरी में आए। फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन मींस, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन बेटा ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो AS 19 में कवर होता है। एक सेकेंड, आपने जो पूछा मुझसे फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, एक्चुअली ये AS 19 में कवर होता है लीजेस का, इसका थोड़ा सा फंडा बता देता हूं। मैंने एक बिल्डिंग लीज पर लिया, कितने साल के लिए लीज पे? 60 ईयर्स, 60, 60, 60, कह रहे, मैंने एक बिल्डिंग 60 ईयर्स की लीज पर लिया और मुझे पता है कि मुझे हर साल कितना पे करना है, एवरी ईयर मुझे कितना लीज रेंट पे करना है, मुझे वो पता है। उन सारे के सारे 60 इयर्स जो मेरे फ्यूचर में जो मुझे लीज रेंट पे करना है ना, उन सभी 60 इयर्स के लीज रेंट का मैंने आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। प्रेजेंट वैल्यू शायद तुमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके सीए फाउंडेशन में कुछ पढ़ा हुआ है। फ्यूचर के जितने अमाउंट हमें पे करने होते हैं, अगर मैं आज उन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालूं और टोटल करूं तो उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट? हाँ, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? तो मैं ये कह रहा हूं कि 60 इयर्स में मुझे कितना कितना पेमेंट करना है
पूरे 60 ईयर्स में लीज लाइब्रेरी, मेरे को लीज रेंट का कितना पेमेंट करना है, मैंने उसका पूरा प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया और आज मैंने बुक कर लिया कि देखो मुझे इतना पेमेंट करना है, ये मेरी लाइबिलिटी है, उसी को कहते हैं फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, उसी को कहते हैं फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? उसको कहते हैं फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, मतलब आज जो मुझे, मैं आज प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट जो बोल रहा हूं, जो मुझे फ्यूचर में पे करना है, दैट इज माय ऑब्लिगेशन लीज के रिलेटेड। लीज मतलब रेंट पे, ठीक है? आई बात समझ में? तो ये था आपका फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन का पॉइंट। और कोई डाउट हो तो पूछो, मैं आज ओपन आपके साथ डाउट डाउट खेल रहा हूं, ओपन डाउट डाउट खेल रहा हूं, क्योंकि ये आपके पास मौका नहीं होना चाहिए कि देखो सर ने हमारे डाउट भी सॉल्व नहीं किए, लेक्चर 7 भी हमने नहीं देखा, फिर हम आगे का लेक्चर 8 कैसे देखेंगे। इसीलिए आज के दिन आपका, आपके पास पूरा दिन है इनकम टैक्स की क्लास के बाद, लेक्चर नंबर 6 लेक्चर नंबर 7 यूट्यूब पे डला हुआ है, मैं लाइव वालों से बात कर रहा हूं, रिकॉर्डेड वाले बच्चे वो बिल्कुल टेंशन में मत आएं, उनको जो लेक्चर देखना है उनका जो सीक्वेंस चल रहा है वो देखते चलें, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइव वालों से बात कर रहा हूं। तो लाइव वाले बच्चे लेक्चर नंबर 6 और 7 देख के रखिएगा, मेरा कोई गारंटी नहीं है अगले दिन जब मैं क्लास करवाऊंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं ये मत बोलना सर मैं ना वो क्लास देखना भूल गया, सर मैं ये क्लास देखना भूल गया। सर फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? बेटा फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन का सेकंड इफेक्ट जाएगा असेट में, क्योंकि आपने असेट, आपने बिल्डिंग लीज पर लिया है, तो आप बिल्डिंग अपनी बुक्स में असेट दिखाओगे और आपका सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में जाता है। तो बेसिकली अब ये मत बोलना सर हमने तो लीज पर लिया है, हम अपनी बिल्डिंग, हम बिल्डिंग को क्यों दिखाएंगे? इसके लिए मैं बोलूंगा बेटा AS 19 का वेट कर, क्योंकि आज सारी बातें मैं AS 19 के बारे में बता नहीं सकता हूं, तेरे को समझ में भी नहीं आएंगी। तो सिंपल सी बात है, दो इफेक्ट, एक डेबिट इफेक्ट आपका बिल्डिंग का होगा, क्रेडिट इफेक्ट आपकी लायबिलिटी होगी। अब वो क्यों होगी? AS 19 ग्रुप 2 में पढ़ेंगे तब आना। और बोलो इतनी एनर्जी पढ़ाने की कहां से आती है? तुम सब लोगों से आती है, सीरियसली बोल रहा हूं, तुम सब लोगों से आती है। तुम जो डाउट पूछ रहे हो ना, मजा आ रहा है मेरे को, लिटरली मेरे को बहुत मजा आ रहा है। मतलब जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं ना, उनको देखकर उनका डाउट पढ़ के मजा आ रहा है कि लग रहा है हाँ यार वो पढ़ के आए, मतलब आज तो साला पढ़ाऊंगा। दो दिन से पढ़ाया नहीं है यार मैंने, 3 दिन से तुम लोगों की क्लास नहीं ली, 2 दिन से मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, कल हैप्पी न्यू ईयर हो गया, 1 तारीख हो गया, मेरे को लग रहा था साला आज तो मतलब शेर की तरह अपन आएंगे। सर कल क्लास है क्या? बेटा कल संडे है तो कल क्लास मैं ग्रुप पे बता दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा और ग्रुप पे कि मैं कल की क्लास लेने वाला हूं कि नहीं लेने वाला हूं। सर सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी 3 मंथ से ज्यादा हुई तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुए? यस 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 यस, वो शॉर्ट टर्म हुए। वो शॉर्ट टर्म हुए। सर AS कब स्टार्ट करेंगे? क्यों रितेश तुम्हें AS पढ़ने है, बाकी नहीं पढ़ना है क्या? मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। इन इन्वेंटरीज GIT शैल बी डिस्क्लोज अंडर सब हेड सेपरेटली, ऑब्वियसली इन GIT इन इन्वेंटरी GIT शैल बी डिस्क्लोज अंडर सब हेड सेपरेटली। हाँ ऑब्वियसली GIT को मुझे सब हेड में दिखाना है। एक सेकेंड मैं आपको करंट में दिखा देता हूं इन्वेंट्रीज। ये देखो इन्वेंट्रीज में क्लासिफाइड रॉ मटेरियल आपको अलग दिखना है, WIP फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड, फिर GIT शैल डिस्क्लोज अंडर द सब हेड सेपरेटली। इसका मतलब जब आप इन्वेंटरी बनाओगे ना, जब आप इन्वेंटरी का नोट बनाओगे तो आप यहां पर पहला दिखाओगे रॉ मटेरियल, ठीक है ना? आपने रॉ मटेरियल इसमें मान लो आपने दिखाया इन हैंड्स,
आपके पास रॉ मटेरियल कितना रखा है, और अभी आपका रॉ मटेरियल अभी आया नहीं है, गुड्स इन ट्रांजिट है, तो इन जीआईटी आप ऐसे करके दिखाओगे, फिर मतलब इस तरीके से WIP तो आपका जीआई गुड्स इन ट्रांजिट हो ही नहीं सकता, फिनिश गुड्स आपका गुड्स इन ट्रांजिट हो सकता है अगर आपने बेचा है और आपकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो। ठीक है, नो सर, इतना एएस एएस सुनता हूं तो इसलिए, एएस अभी नहीं, एएस अभी नहीं बेटा, अभी आप बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हो, एएस एक लेवल के बाद आएगा, जब कुछ दो तीन चैप्टर चार चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप एएस देखना शुरू कर सकते हो क्लासेस से, अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस परचेस कर रहे हो या फिर जैसे भी अपन आगे बढ़ेंगे, तो एएस अभी नहीं होता, एएस बाद में होता है, एएस का एक अलग ही लेवल है, तो हम उसको बाद में समझेंगे। सर करंट मेच्योरिटी मीन्स बता दीजिए, करंट मेच्योरिटी मतलब ये कि एक बात बताइए, अगर करंट मेच्योरिटी किसने पूछा, अंशिका ने पूछा, करंट मेच्योरिटी पूछा अंशिका ने, अंशिका अगर मैं आपसे 10 लाख रुपए का लोन लेता हूं, 10 लाख रुपीज का लोन लेता हूं, अंशिका ने मुझे बोला कि सर मैं आपको 10 लाख रुपीज का लोन दे रही हूं, आप मुझे 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 5 साल में वापस करोगे, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद आप 2 लाख वापस करोगे, उसके अगले साल आप 2 लाख वापस करोगे, उसके अगले साल 2 लाख वापस करोगे, मुझे 5 साल में आपको रीपे करना है 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ अंशिका, ये 5 साल का पीरियड है, 1 2 3 4 5, मैंने आज आपसे लोन लिया 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का, मुझे रीपे कब करना है, मुझे रीपे करना है 5 साल में, मुझे 2 लाख रुपए यहां रीपे करना है, 2 लाख रुपए यहां रीपे करना है, 2 लाख रुपए यहां रीपे करना है, 2 लाख रुपए यहां, 2 लाख रुपए यहां। मान लीजिए आज मैं इधर खड़ा हूं, मैं आज इधर खड़ा हूं, ठीक है ना, मैं जानता हूं मेरी 10 लाख रुपए की लायबिलिटी है, मैं जानता हूं मेरी 10 लाख रुपए की लायबिलिटी है, 10 लाख रुपए की मेरी लायबिलिटी है, पर इस 10 लाख में से मुझे 2 लाख रुपए कब देना है, 10 लाख रुपए में से मुझे 2 लाख रुपए कब देना है, अभी कुछ ही दिन में, एक आध दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, मतलब करंट नेचर, तो मैं बोलूंगा कि 10 लाख में से जो 2 लाख है वो है करंट मेच्योरिटी, करंट मेच्योरिटी मतलब उसमें से 2 लाख रुपए मेच्योर हो चुके हैं, बाकी 8 लाख रुपीज जो है वो करंट मेच्योरिटी नहीं है, वो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी है, वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी, आया समझ में कि नहीं। तो करंट मेच्योरिटी मतलब लाइबिलिटी या लोन का वो हिस्सा जो आपको विद इन 12 मंथ रीपे करने वाले हो, विद इन 12 मंथ रीपे करने वाले हो, आई बात समझ में। जीआईटी मतलब बेटा गुड्स इन ट्रांजिट। अंशिका, रुचिका चंडक, एयरमार्क्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या है, एयरमार्क्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ नहीं है बेटा, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, आपने किसी पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं कि मैंने आज डिबेंचर इशू किया, मुझे 5 साल बाद डिबेंचर को रिडीम करना है, पर उस टाइम पे मेरे पास पैसा होगा कि नहीं होगा, आज ही से मैं इन्वेस्ट करते जाता हूं, इट इज कॉल्ड एयरमार्क्ड इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट को किसी पर्पस के लिए बना दिया, मतलब मैं आज 5 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, 5वें साल जब मुझे डिबेंचर को रिडीम करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे पैसा चाहिए रहेगा, मैं इस इन्वेस्टमेंट को बेच दूंगा और मैं रीपे कर दूंगा डिबेंचर। एयरमार्क इन्वेस्टमेंट मतलब किसी पर्पस से, किसी सेट टारगेट, किसी सेट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका कोई यूज आगे चल के यूज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट और बताइए, मैं आज आपको फुल अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी मतलब जितना लेक्चर्स हुए हैं उनमें से, आगे वाली चीजें अभी मैंने पढ़ाई नहीं है आपको, तो उसमें तो मत मत पूछना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर डिविजनल ट्रांसफर, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन, मेरे दो अलग अलग डिवीजन हैं, ठीक है ना, मेरे दो अलग अलग डिवीजन हैं, मान लीजिए मैं जो अपना क्लासेस सेल करता हूं, मैं आपको बता देता हूं जैसे कैसे होता है, मुझे मुझे मैंने मान लीजिए 3,000 बुक्स प्रिंट करवाई एक ही बार में, मैंने बोला यार 3,000 बुक्स में से 1,000 मैं बुक्स सेल के लिए रखूंगा, सेपरेट सेलिंग के लिए रखूंगा, और 2,000 बुक्स में रखूंगा लेक्चर्स के साथ देने के लिए, तो मैंने अपने दो डिवीजन बना लिए, मैंने दो अपनी मान लो ब्रांच बना ली, एक बुक सेल ब्रांच और एक लेक्चर्स सेल ब्रांच जिसके साथ बुक्स जाएगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी कारण से मेरी जो बुक सेल ब्रांच है उसमें जो 1,000 बुक्स रखी थी वो खत्म हो गई, मेरे को अभी भी डिमांड आ रही है कि आपके साथ सेपरेट बुक्स खरीदनी है, और मेरे लेक्चर सेल वाली ब्रांच में बुक्स रखी हुई हैं, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन से बुक्स ले रहा है,
कि भाई दे दो, एक ही कंपनी है ना वैसे भी, तो मैंने एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन वो मैंने ट्रांसफर कर दिया, इट इज कॉल्ड इंटर डिविजनल ट्रांसफर। सो एक ही कंपनी में अलग अलग डिविजन्स होते हैं, अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस हो सकती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जब एक प्रोडक्ट किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं, इट इज कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंटल इंटर डिविजनल ट्रांसफर। सर बैंक डिपॉजिट की मेच्योरिटी इफ एग्जैक्ट 12 मंथ्स है तो वो करंट नॉन करंट असेट्स में जाएगा? नहीं, वो करंट में जाएगा एग्जैक्ट, अगर 12 मंथ्स है तो, अगर एग्जैक्ट 12 मंथ्स है तो वो करंट में जाएगा, 12 मंथ से ज्यादा है तो वो नॉन करंट होगा। इंपेयरमेंट लॉस, सर ये इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है? इंपेयरमेंट लॉस के ऊपर भी आपका एक AS है, AS 28, जो कि आपको CA फाइनल में पढ़ने को मिलेगा, बट मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। आपने एक बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग छोड़ो, आपने एक मशीन खरीदा, आपने एक मशीन खरीदा, आपको पता है महाराष्ट्र में पॉलिथिन बैन है, आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में पॉलिथिन बैन है। मान लीजिए जब मैंने मशीन खरीदा था पॉलिथिन बनाने के लिए, तब मशीन पॉलिथिन बैन नहीं था, मैंने मशीन खरीदा 1 करोड़ रुपीज का, बढ़िया मेरा धंधा चल रहा था, मेरे को तो खुशी थी, मतलब बहुत अच्छा चल रहा था मेरा धंधा। मैं हर साल मशीन को डेप्रिशिएट करता था, डेप्रिशिएट 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 वगैरह। अब हुआ क्या, मेरी मशीन की आज वैल्यू दिख रही है फॉर एग्जाम्पल 70 लैक्स, 70 लैक्स मैंने अपनी मशीन को डेप्रिशिएट कर करके 70 लैक कर दिया है। अब अचानक से महाराष्ट्र में पॉलिथिन हो गई बैन, मेरा धंधा चौपट, मशीन पॉलिथिन बनाती है, पॉलिथिन बैन हो गई, मेरी मशीन की वैल्यू खत्म। अब या तो मैं अपना धंधा किसी दूसरे स्टेट में ले जाऊं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या तो मैं अपनी ये मशीन बेच दूं, मशीन कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि पॉलिथिन बैन हो चुकी है, अगर कोई खरीदेगा भी तो बहुत ही सस्ते दाम में मुझे बेचनी पड़ेगी। आज इस मशीन की रिकवरेबल अमाउंट मार्केट में चल रही है 40 लाख, पर मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आज इसकी मार्केट में वैल्यू चल रही है 40 लाख रुपए। क्या करना चाहिए मुझे? आज इस मशीन में से 30 लाख रुपीज को राइट ऑफ करना पड़ेगा, और उसको नाम दूंगा इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस। और मैं आज अपनी मशीन को दिखाऊंगा 40 लाख रुपीज पे। सर आप डेप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा आज तक डेप्रिशिएट मशीन हो चुकी है, मैं डेप्रिसिएशन एक्सेस नहीं लगा सकता, कंपनी से एक मना करता है, डेप्रिसिएशन आपको फिक्स अकॉर्डिंगली जो भी आपकी यूजफुल लाइफ है उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। इंपेयरमेंट लॉस का मतलब होता है कि क्या पता डेप्रिशिएट लगाने के बाद भी लगता है कि असेट की वैल्यू डाउन करनी पड़ेगी, असेट की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? आप चेक करोगे कि आपकी असेट की वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट मार्केट में क्या है, अगर कम है तो आप उतने से माइनस कर दो, वो आपका इंपेयरमेंट लॉस होता है, और इंपेयरमेंट लॉस आपका पीएनएल में जाता है, इट इज कॉल्ड इंपेयरमेंट लॉस। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में कौन सी टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आपका होता है जैसे आपने किसी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने बिल्डिंग खरीद के रख ली, आपने लैंड खरीद के रख लिया, पर आप उसको अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो रखा रहे पड़ा रहे अपन कभी बेचेंगे नहीं, बेचना हुआ तो 10-15 साल बाद ही बेचेंगे, अभी तो पड़ा रहे लैंड एंड बिल्डिंग, आप अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो, तो ये हो गई आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जनरली जैसे अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करते हो तो वो जनरली लॉन्ग टर्म में नहीं होते हैं, वो शॉर्ट टर्म में होते हैं अगर आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीद रहे हो। पर जैसे मैं अपनी बात करूं, हर कोई व्यक्ति जब शेयर्स में ट्रेडिंग करता है तो उसका खुद का एक ऑब्जेक्टिव लेके चलता है। मैं रियल लाइफ में जब मैं शेयर्स की ट्रेडिंग करता हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है उसको होल्ड करके रखना शेयर्स को, कि यार 2-4 साल तक तो भूल जाओ। तो अगर किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं किसी दूसरी कंपनी के, और उनका इंटेंशन है कि हम 2-4 साल तक तो नहीं बेचने वाले, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स विल बिकम लॉन्ग टर्म। अगर उनका टारगेट है कि नहीं हम तो बेच देंगे जल्दी, 2-4 महीने बेच देंगे प्रॉफिट कमा के, तो उनका टारगेट है कि शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में बेसिकली इस टाइप से इन्वेस्टमेंट आता है। आपका एफडी है, आपका एफडी 12 महीने से ज्यादा पीरियड का है, तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। सर इफ देयर इज अनक्लेम्ड डिविडेंड ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट कैन वी इशू शेयर वारंट अगेंस्ट इट एंड गेट इट री इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस? सी बेटा ये बहुत ही आपने ना एक पॉइंट ऐसा पूछा है जो कि मैं उसका जवाब हां भी नहीं बोल सकता ना भी नहीं बोल सकता। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द रेगुलेशंस एंड ऑथोराइजेशंस गिवन टू द कंपनी। इन ए सिंपल लेमन लैंग्वेज द आंसर इज नो।
आप ये कह रहे हो सर मैंने ना कंपनी मैंने ना अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया तो उसके बदले मैं शेयर दे सकता हूं। द आंसर इज नो। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में कंपनी इज अलाउड, उसके लिए कंपनी को परमिशन लेना पड़ता है, कंपनी को सेबी से परमिशन मांगना पड़ता है, बट बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में, ऐसे केस में आपके आंसर के लिए मैं सिंपल सिंपल बोलूंगा कि डिविडेंड के बदले शेयर इशू नहीं कर सकते, क्लियर कट। अब अप्रैल, अप्रैल नहीं, मुझसे मुझसे ये डाउट पूछा, उसका नाम अप्रैल है वो, उसका जो भी नाम आ रहा है, आप मुझे बताओ कि आपने ये कहां से सुना। बेसिकली मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा होगा, कुछ सुना होगा, तभी पूछा। नितिन, थैंक यू बेटा। बोलो और बोलो। डाउट खत्म। टाइम है अभी अपने पास। डाउट खत्म हुआ क्या? कोई और नहीं बोल रहा, सबके डाउट खत्म हो गए। तो अगर सबके टेक्निकल डाउट्स खत्म हो गए तो आप मुझसे अदर टाइप की बातें भी पूछ सकते हो। अदर टाइप, सर क्या करना है क्या नहीं करना है। सर आपकी टी शर्ट सही है, थैंक यू बेटा। तो एक्चुअली आई वॉज लुकिंग एट द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड आई रीड देयर मनी इशूड अगेंस्ट शेयर वारंट। ओके सर, इज अनकोटेड, सर इज अनकोटेड इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज अनकोटेड इन्वेस्टमेंट? अनकोटेड इन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, उसको बोलते हैं कोटेड इन्वेस्टमेंट। अनकोटेड कोई कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, जिसके शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उसको बोलते हैं अनकोटेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब मेरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, पर मेरी कंपनी के भी तो शेयर्स होंगे ना, मैंने अपने शेयर्स अपने घर वालों को बांट दिए, अब मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, उनके पास अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी मार्केट में कोई सेपरेट वैल्यू नहीं है। अनकोटेड इन्वेस्टमेंट मतलब जिसका मार्केट में एक सेपरेट वैल्यू नहीं है, उसका कोई मार्केट नहीं है। कोटेड इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, मार्केट वैल्यू वाले इन्वेस्टमेंट जिनकी मार्केट वैल्यू है। इन एग्जाम दे विल आस्क टू मेक फुल बैलेंस शीट एंड पी एंड एल। यस, देयर इज अ चैप्टर इन योर अकाउंटिंग सब्जेक्ट ग्रुप वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास एक चैप्टर है और उस चैप्टर में आपको पूरी बैलेंस शीट और पी एंड एल बनानी पड़ सकती है, एक ऐसा चैप्टर है। उसके अलावा एक दो चैप्टर ऐसे हैं जहां पर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है, पेंडल नहीं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट है। अरे ये कौन आ गया? विजय सारडा सर इज हेयर। अरे सर आपसे ही तो सब सीखा है सर, हैंडसम वगैरह कैसे होना है सब आपसे ही सीखा है। हर्षिता सर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट है? यस, पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट ना होके वो करंट असेट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ सकती हैं, अगर उनकी लाइफ 3 महीने के अंदर अंदर है तो। अगर उनकी लाइफ 3 महीने के अंदर अंदर है तो, ठीक है, अगर उनकी लाइफ 3 महीने के अंदर अंदर है तो। और डाउट पूछो, जल्दी जल्दी बताओ, टेल मी गाइस। सर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर में बोला था कि आप कोर्स 50% लाइव 50% रिकॉर्डेड लेंगे, हमारा भी ऐसे ही होगा क्या? रिकॉर्डेड लेक्चर में बोला था मैंने, कौन से लेक्चर में बोला था अंशिका? मतलब आप एडवांस अकाउंट्स की बात कर रहे हो कि अकाउंट्स की बात कर रहे हो? अकाउंट्स में मैंने पहले दिन ही बताया था कि मैं स्टार्टिंग की 15-20 क्लासेस लाइव लूंगा, उसके बाद रिकॉर्डेड आपको क्लासेस दूंगा, जो मैंने रिसेंटली रिकॉर्डेड क्लासेस को रिकॉर्ड किया है। शिवम कुमार, संडे की क्लास अगर रहेगी तो टेलीग्राम पे आ जाएगा, टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप पे आ जाएगा, मेरे चैनल पे आ जाएगा, अगर मैं क्लास लूंगा तो। चांसेस 50% है कि मैं क्लास शायद ना लूं संडे की क्लास। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? चलो, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा है तो बता दिया जाएगा। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स,
सर ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? मैं इसको समझाने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी आपको क्या लगता है, अभी विंटर सीजन चल रहा है, आपको क्या लगता है कल बारिश होगी? क्या बोलते हो, कल बारिश होगी कि नहीं होगी? नहीं बेटा, मैंने एडवांस में बोला था, तो मैंने वो एडवांस अकाउंट्स वालों को बोला था, वही वही मुझे याद आ रहा है, मैंने एडवांस अकाउंट्स वालों को बोला था। अप्रैल ग्रुप वन अकाउंट ज्यादा इजी है। जल्दी बताओ कल बारिश होगी कि नहीं होगी, टेल मी, कल बारिश होगी कि नहीं होगी, टेल मी। मुंबई में कुछ भी हो सकता है, यस। जल्दी बताओ कल बारिश होगी कि नहीं होगी? अगर तुम बोल रहे हो कि सर नहीं होगी, नहीं होगी, तुम बोल रहे हो नहीं होगी, मैं कह रहा हूं कल बारिश होगी। कल मुंबई में भी बारिश होगी, कल पुणे में बारिश होगी, कल नासिक में बारिश होगी, कल पूरे इंडिया में बारिश होगी। बोलो, लगाओ शर्त। तुम बोलोगे सर नहीं हो सकती, मैंने बोला लगा शर्त 500 500 रुपए की, लगाओ 500 500 रुपए की, लगाओ 500 500 रुपए की, 500 500 रुपए की शर्त लगाओ। सर मतलब क्या ये पढ़ा रहे हो कि सट्टा लगवा रहे हो? मैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझा रहा हूं आपको। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है प्योर, मतलब होता है, अगर आपको पता करना हो कि डेरिवेटिव मतलब क्या, डेरिवेटिव मतलब प्योर सट्टा। बस इसको नाम अच्छा दिया गया है, सुंदर सुंदर सा नाम दिया गया है। कुछ सट्टे लीगल होते हैं, बहुत सारे सट्टे इलीगल होते हैं। सर कुछ सट्टे लीगल होते हैं, लीगल कौन से सट्टे होते हैं सर? उनको सट्टा नहीं बोला जाता है जब वो लीगल होते हैं तो। ठीक है बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने अभी आपको बोला कल बारिश होगी कि नहीं होगी, उस पे पैसा लगाओ। तो कल बारिश होगी इसका मतलब आने वाले किसी इवेंट पे हम पैसा लगा रहे हैं, आने वाले किसी इवेंट पे हम पैसा लगा रहे हैं। वो इवेंट के ऊपर मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं है, तेरा भी कोई कंट्रोल नहीं है, ना मैं रोक सकता हूं ना तू रोक सकता है, बस प्रार्थना कर सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो एक ऐसा इवेंट जो जो कि प्योरली हमारे कंट्रोल के ऊपर बेस्ड नहीं है, उसके ऊपर अगर हम पैसा लगाते हैं तो इट इज एज गुड एज अ डेरिवेटिव। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो लीगल नेचर के होते हैं, जहां पर गवर्नमेंट अलाउ करता है कि आप पैसा लगा सकते हो, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। जैसे शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर हम पैसा लगाते हैं तो सर शेयर मार्केट में तो हम इक्विटी शेयर खरीदे, नहीं, इक्विटी शेयर खरीदने के अलावा भी पैसा लगाया जाता है। इक्विटी शेयर में हमें फिजिकल डिलीवरी मिलती है। एक बात बताओ, मैंने बोला कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो मैं जीत जाऊंगा, नहीं होगी तो तुम जीत जाओगे, एक दूसरे को पैसा दे देंगे। इससे क्या बारिश का पानी एक दूसरे के घर ले जाएंगे क्या? नहीं ना। मतलब क्या बारिश की कोई डिलीवरी करने वाले हैं क्या? नहीं। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब जिस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप सट्टा लगा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट लगा रहे हो, उसकी कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होने वाली। हम सिर्फ, हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सट्टा लगाया, उसकी हम फिजिकल डिलीवरी नहीं करेंगे। मैंने बोला शेयर मार्केट कल बढ़ेगा, तुमने बोला कल गिरेगा। अगर बढ़ गया मैं जीत गया, तुम मुझे पैसे दोगे, अगर गिर गया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इससे क्या शेयर मार्केट की एक दूसरे को हम डिलीवरी करेंगे क्या? नहीं। सो विदाउट एनी फिजिकल डिलीवरी अगर हम कुछ पैसा लगाते हैं, हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके बेसिस पे दो पार्टीज हैं, दोनों में से कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा। एक पार्टी सोच रहा है कि मैं समझदार हूं सामने वाला फूल है, और सामने वाला भी सोच रहा है कि मैं समझदार हूं सामने वाला फूल है। तो बस इतना पता है कि दोनों में से एक समझदार है और एक फूल है। ठीक है, तो ये होता है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, हाई रिस्क वाली सिक्योरिटी, ऐसा कुछ नहीं है हाई रिस्क लो रिस्क, ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट है आपका पेपर नंबर टू एसएफएम, अगर आपके घर पे कोई भाई बहन है तो पूछना उनसे, और मेरे वाला सब्जेक्ट एफआर अकाउंट जो मैं पढ़ाता हूं फाइनल में, उसमें भी डेरिवेटिव के बारे में आता है, उसकी अकाउंटिंग के बारे में। टेल मी, और कुछ? एक बात बता दूं आपको, 31 दिसंबर तक ऑफर था अर्ली बर्ड डिस्काउंट का। यस, वो ऑफर खत्म हो चुका है, बट स्टिल क्लासेस डिस्काउंट पे दिख रही हैं, और ये ऑफर सिर्फ रिजल्ट तक चलेगा, उसके बाद क्लासेस वापस से बढ़ जाएंगी। सो अभी तक अगर तुम लोगों ने क्लासेस नहीं ली हैं, क्लासेस लेने का सोच रहे हो,
तो यू कैन थिंक ऑफ टू परचेज द क्लासेस स्टिल एट डिस्काउंट. अभी भी क्लासेस डिस्काउंट पे दिख रही हैं और वो रिजल्ट तक रहेंगी. रिजल्ट के बाद हम वापस से क्लासेस का प्राइस बढ़ा देंगे, प्रॉपर बढ़ा देंगे, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिखेगा. उसके बाद हम डिस्काउंट की रिक्वेस्ट नहीं सुनने वाले. ठीक है, सर जनरली जो शेयर मार्केट में शेयर फ्लोट करते हैं वो कौन से होते हैं? नॉर्मल इक्विटी शेयर होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं कंपनी के, इक्विटी शेयर्स, उनको ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं. अप्रैल आप जब पढ़ रहे हो ना बेटा, तो आप ये सोच के पढ़ो कि आपको कुछ नहीं पता है, और आपको जो पढ़ा रहा है ना उसको सब कुछ पता है, और उसके ऊपर ट्रस्ट करके पढ़ो. ठीक है, अगर आप चार बातें लोगों से सुन के आओगे ना और वही अपने दिमाग में रख के पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में वो चार बातें चलती रहेंगी, बट जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा. सो इफ यू आर आस्किंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन प्लीज आप वो क्वेश्चन मत पूछिए. मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टफ क्या है, ग्रुप वन टफ है कि ग्रुप टू टफ है, सर अमेलगमेशन ये है क्या है क्या है, तेरे को सिलेबस के बारे में नहीं पता तो तेरे को ये कैसे मैं बता दूं कि कौन सी चीज टफ है कौन सी चीज नहीं टफ है? फाउंडेशन से आए हो, थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस, गदाधारी भीम पेशेंस, आराम से मालूम पड़ जाएगा, धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा. इतना मत अभी एक्साइटेड होने की जरूरत, क्या टफ है क्या नहीं है टफ, सर अमेलगमेशन टफ है ना सर, ऐसा ऐसा. किसी के बारे में अगर अपने को कुछ पता ना हो ना, तो हमें शांत बैठना चाहिए और हमें शांति से अपने काम करने चाहिए. फालतू का हमें वो नहीं करना चाहिए कि सर ये क्या टफ है वो क्या टफ. आपको कुछ नहीं पता, अभी आप मुझसे पूछो भी मत, अभी तो कोर्स स्टार्ट हुआ है. सो अपना दिमाग उस पर मत चलाइए, सर क्या चीज टफ है क्या चीज टफ नहीं है. टफ कुछ भी नहीं है, घंटा घंटा जो है ना वो टफ है. अब तुमने अमेलगमेशन लिखा, अमेलगमेशन ग्रुप वन में साला है ही नहीं, वो होता है ग्रुप टू में. देखो तुम कितने अनप्रिडिक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बिल्कुल ही मतलब जो तुम्हें भी नहीं पता. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट आस्क दीज काइंड ऑफ सिली क्वेश्चंस. अपने आप को मैच्योर स्टूडेंट्स की तरह डील करो. और बोलो, और कोई डाउट, और कोई डाउट हो तो बताओ. हमारे सिलेबस में क्या चीज है क्या नहीं है, जब तक आपको सामने वो चीज आएगी नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं करना चाहिए कि कौन सी चीज टफ है. आज मैं अगर आपको बोल दूं बेटा ये चीज टफ है, आपके ना वो माइंड में ना चिपक जाएगी वो, आप हमेशा अरे ये सर ने बोला था टफ है. अगर वो टफ नहीं भी होगी ना, वो भी आपके दिमाग में चिपक है, सर ने बोला ये टफ है. अब जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा ना, अरे ये तो टफ है. किसी चीज को शुरू करने से पहले ही बोल दो कि टफ है तो बस रहन दो, हो ही नहीं रहा. जैसे अपन नहाने जाते हैं, जैसे अपन नहाने जाते हैं तो अपने को लगता है ठंडा पानी है, तो अपने को पहले से ही फीलिंग आ जाती है, नहीं नहीं मेरे को तो नहीं नहाना, मेरे को तो नहीं नहाना. आती कि नहीं, हमें डर लगने लगता है. वैसा ही डर समझो कि अगर मैंने आपको बता दिया चार टॉपिक के बारे में कि ये टफ है ये इजी है, तो वो आप ऐसे ठंडे ठंडे पानी की तरह ऐसे उचकने लगोगे. तो अभी उचको मत, पहला मग्गा तुम्हारे में डालूंगा, ठंडा भी होगा ना पहली बार में, हो गए सेकंड टाइम में बोलोगे हाँ चलो अब टेंशन नहीं है, अब तो कोई टेंशन नहीं, दूसरा मग्गा डालो सर, अब तो कितना भी डाल दो ठंडा पानी. FCCB मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, FCCB. मैं इसके बारे में क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी. आपने हो सकता है शायद लेक्चर नंबर 7 में देखा भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने शायद लेक्चर नहीं देखा, इसलिए तुम ना फालतू क्वेश्चंस पूछ रहे हो, लेक्चर देखे बिना पूछ रहे हो. सर एडवांस अकाउंट्स भी अकाउंट्स के साथ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए क्या? नहीं, अकाउंट्स के साथ आपको बाकी के 3 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के पढ़ने चाहिए, एडवांस अकाउंट्स आपको अभी फिलहाल नहीं पढ़ना चाहिए. सर क्या ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की क्लासेस दोनों एक साथ लेना है या ग्रुप 1 कंप्लीट करके ग्रुप 2? ग्रुप 1 कंप्लीट करने के बाद ग्रुप 2 लो. अगर आपको ये डर लग रहा है कि सर ग्रुप 2 अभी नहीं लेंगे तो ऑफर अभी चल रहा है, बाद में क्या होगा, बाद में मई के टाइम पे भी जब तुम 2-4 महीने बाद करोगे उस टाइम पे शायद माइट भी कुछ नया ऑफर आ जाएगा, क्या दिक्कत है?
कैन यू प्लीज टेल अस अ गुड मेथड टू स्टडी अकाउंट्स इन अ सिंपल वे. अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, पॉइंट नंबर वन, जहां आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. बेसिक्स क्लियर होने का मेरा मतलब यह है कि आपको हर एक जर्नल एंट्री का लॉजिक पता होना चाहिए और उस लॉजिक के बेसिस पर आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या जर्नल एंट्री की इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या इवेंट की जर्नल एंट्री क्या होगी. तो पॉइंट नंबर वन इज बेसिक. पॉइंट नंबर टू, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस. कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ना ठीक है ना, मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरी ताकत है, मैं क्वेश्चंस कम भी ट्राई करूंगा, प्रैक्टिस कम भी करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के जा रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे. वो बच्चे बहुत गलती करते हैं. तो बेस्ट मेथड यही है कि अपने बेसिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करो, और दूसरा, बेसिक्स के बेसिस पर ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, आपको प्रैक्टिस भी करनी है. ठीक है ना, आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है. जब आप अपने बेसिक्स और अपनी प्रैक्टिस दोनों को मिलकर एक साथ करोगे ना, अकाउंट्स में मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 80 मार्क्स 90 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे. अकाउंट्स ग्रुप वन इतना आसान है सब्जेक्ट, इतना लिटरली इतना आसान है कि आपको ग्रुप वन में सबसे ज्यादा आसान अकाउंट्स लगेगा, और आप अकाउंट्स के बेसिस पे बोल पाओगे कि यार मेरे ग्रुप वन में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. और सेम सिस्टम आपके ग्रुप टू में एडवांस अकाउंट्स के साथ होने वाला है. टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट डिफरेंट क्या है? मेरे पास लैपटॉप है, ये लैपटॉप दिखा रहा हूं मैं आपको, मेरे पास लैपटॉप है, ये लैपटॉप मेरा टेंजिबल है क्योंकि मैं इसको छू सकता हूं, मैं इसको देख सकता हूं. ठीक है ना, इनटेंजिबल जिसको छू नहीं सकते, इट डजंट हैव एनी फिजिकल सब्सटेंस, छू नहीं सकते. ठीक है ना, सॉफ्टवेयर छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टेंजिबल इनटेंजिबल. सर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट वाला पार्ट समझाइए, कहां लिखा है कमिटमेंट वाला पार्ट, मुझे दिखा दो तो मैं बता दूंगा. सर अकाउंटिंग चैप्टर कौन कौन से हैं? जब मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं आपको पूरे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू दूंगा. चैप्टर वन क्या है, चैप्टर टू क्या है, स्टार्टिंग में आपको ओवरव्यू दूंगा. मतलब शेड्यूल थ्री की क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पूरे चैप्टर्स का ओवरव्यू दूंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिस कम मांगते हैं, और ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपसे प्रैक्टिस ज्यादा मांगते हैं. ठीक है ना, मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू तब दूंगा. कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन क्यों रिकॉर्ड करते हैं लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर? बेटा एक बात बताओ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आप बोल रहे हो कैपिटल नेचर है? नहीं, अगर आप फर्नीचर बेच रहे हो तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू फर्नीचर 105 रुपया और लॉस 5 रुपया. आप जानते हो आपका कैपिटल नेचर का आइटम ये है, ये आपका रेवेन्यू आइटम है 5 रुपया. आप जानते हो आपको लॉस क्यों हुआ? पता है आपको लॉस क्यों हुआ? कोई मुझे बताए कि लॉस क्यों हुआ? कोई मुझे बताए लॉस क्यों हुआ? कोई मुझे बताए कि इसमें लॉस क्यों हुआ? चार लोग बोलेंगे सर लॉस क्यों हुआ? सर लॉस हुआ क्योंकि हमने कम पे बेचा, सर हमने कम पे बेचा इसलिए लॉस हुआ. एक बताता हूं लॉजिक, मस्त वाला लॉजिक, शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा पर बहुत कम लोगों ने सुना होगा. मस्त लॉजिक बता रहा हूं कि इसमें लॉस क्यों हुआ या प्रॉफिट क्यों हुआ, मुझे बताइए लॉस क्यों हुआ. और दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू फर्नीचर 105 टू प्रॉफिट 5. प्रॉफिट क्यों हुआ? कोई मुझे बताए लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट क्यों हुआ, और ये पीएनएल में क्यों जाता है? किसी ने क्वेश्चन तो पूछा रजनी ने कि सर पीएनएल में क्यों जाता है वो, मतलब एनपीओ के केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों जाता है? सर ये तो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन है. मुक्ता डेप्रिसिएशन, मुक्ता थोड़ा सा शायद सही बोल रही है. गुडविल पेटेंट, आप जानते हो मेरे को लॉस क्यों हुआ? इस फर्नीचर को मुझे आज तक डेप्रिशिएट करके 100 रुपए पे लाना था,
इस फर्नीचर को मुझे आज तक डेप्रिशिएट करके 100 रुपए पे लाना था, पता है क्यों? क्योंकि मैंने आज फर्नीचर को मार्केट में 100 रुपए पे बेचा है, मतलब इस फर्नीचर की मार्केट में वैल्यू 100 रुपए है, सही है, मेरी बुक्स में वैल्यू ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब आज तक जो मैंने डेप्रिसिएशन लगाया है ना वो कम, लोअर लोअर डेप्रिसिएशन लगाया है, और यही कारण है कि ये जो 5 रुपए है ना, ये इसलिए मुझे लॉस हो रहा है। दिस इज नॉट एक्चुअली लॉस, दिस इज माई डेप्रिसिएशन, एक्चुअली आई हैव चार्ज लोअर डेप्रिसिएशन इन द पास्ट ईयर्स इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसी का खामियाजा भुगत रहा हूं कि आज मुझे लॉस हो रहा है। टेक्निकली दिस इज नॉट लॉस, दिस इज द डेप्रिसिएशन आई शुड हैव बीन चार्ज इन माई बुक्स। अगर मैंने सही डेप्रिसिएशन लगाया होता तो मेरा फर्नीचर एक्चुअली 100 रुपए का ही दिख रहा होता और मैंने 100 रुपए बेच दिया तो मेरे को कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता, बात खत्म। तो जो लॉस है वो लॉस कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से पुराने टाइम में कम डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कारण है, तो उसको आज कर दो पीएनएल में। वैसे ही प्रॉफिट क्यों है, मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ, मैंने पुराने सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, मार्केट में वैल्यू कितनी है 110, जबकि मेरी बुक्स में वैल्यू कितनी है 105, मैंने 5 रुपए का ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, मुझे कम करना चाहिए था, ठीक है अब मैं पीएनएल में क्रेडिट कर लेता हूं। ऐसा कुछ आया समझ में कि नहीं? रितेश कुमार साओ साओ, वेरी गुड, पॉइंट इज कि जब भी आपको असेट बेचने पर प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि आपने पास्ट इयर्स में सही डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मतलब रॉन्ग डेप्रिसिएशन चार्ज किया, नहीं, डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो हमें एस्टिमेट करनी पड़ती है यूजफुल लाइफ, आपका एस्टिमेशन इधर उधर हो गया, आपको कुछ और एस्टिमेट करना चाहिए था, आपका एस्टिमेट कुछ और हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता है, ये तो बिजनेस का काम है, बिजनेस में ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती है, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो उसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है, आपको पीएनएल में डालना पड़ रहा है। ओहो, थैंक यू सो मच केशव, थैंक यू सो मच केशव, सर कौन से असेट पर कौन सा डेप्रिसिएशन लगाना है, कितने रेट से लगाना है, ये कैसे पता चलेगा? बेटा इसके लिए कंपनीज एक्ट का होता है शेड्यूल 2, जैसे मैं आपको शेड्यूल 3 बता रहा हूं ना, शेड्यूल 3 क्या बताता है कि आपको बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनानी है, कैसे बनानी है, कौन से डिस्क्लोजर्स करने हैं, क्या प्रेजेंटेशन करना है, इसके लिए क्या होता है शेड्यूल 3। वैसे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए यूजफुल लाइफ कितनी लेनी है, कौन कौन सी एसेट के लिए कौन कौन सी यूजफुल लाइफ लेनी है, उसके लिए बताएगा आपको शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 आपको बताता है कि कौन कौन से एसेट के लिए आप कौन कौन सी यूजफुल लाइफ ले सकते हो, बेस्ड ऑन दैट यूजफुल लाइफ आप WDV का फॉर्मूला निकाल लो, वो अंडर रूट वाला जो आपको फाउंडेशन में शायद पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना, तो आप डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला उस बेसिस पे निकालते हो यूजफुल लाइफ के बेसिस पे, उसको उसका लिखा कहां गया है शेड्यूल 2 में। शिवम कुमार, गाइस मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके अब डाउट्स ओवर हो चुके हैं, जितने डाउट्स मुझे आपसे पूछने थे मैंने आपको आपके डाउट सॉल्व करवाए हैं। मुझे एक वादा करिए कि अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा है तो प्लीज कृपया करके, हाथ जोड़ रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक फैकल्टी रिक्वेस्ट कर रहा है नए साल में कि मेरा लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 6, 6 और 7 देख लीजिए बच्चों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगले दिन जो हम क्लास रखेंगे, कल संडे है, कल की क्लास रहेगी या नहीं रहेगी उसका मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आगे बढ़ूंगा और उसमें मैं आगे बढ़ के कोशिश करूंगा कि शेड्यूल 3 खत्म कर दूं, तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लेक्चर नंबर 6 और 7 देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, ऑर्डर तब देते हैं जब बच्चे सामने बैठे हो, अब बच्चे बैठे हैं दुबक के अपने घर पे और मैं अपने घर पे, तो मैं रिक्वेस्ट करने के अलावा कुछ और कर नहीं सकता हूं। चलिए इसीलिए एक रिक्वेस्ट अगेन, आप लेक्चर नंबर 6 और 7 देख लीजिए, कोई तकलीफ हो आप जरूर पूछिएगा, अगली क्लास में हम मुलाकात करेंगे, अभी की क्लास यहीं पर ओवर, आप ब्रेक ले लो, अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर लो, आपको जो खाना खाना है खाना खा लो, 2 बजे विजय सर आपकी क्लास लेंगे टैक्स की, ठीक है? चलिए, सामने होते तो स्टिक होती डेफिनेटली। चलो थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।
you.